यूपी के प्रतापगढ़ जिले से युवकों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित पक्ष की जमीन पर गांव के पड़ोस में रहने वाले युवकों ने घर में घुसकर जानवरों के छप्पर को उजाड़ दिया और पीड़ित पक्ष को जान से मारने की धमकी दी है। लेकिन इस मामले पर पुलिस ने अब तक तोड़फोड़ करने वाले गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। गुंडागर्दी और तोड़फोड़ करने का ये मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के लालगंज अजहारा तहसील का है, जहाँ पड़ोस के ही रहने वाले गुंडागर्दी करने के आरोपी राजाराम यादव, उमेश यादव, मुन्ना, पिंटू, शुभम और ब्रजेश सहित कुल 6 आरोपियों ने गांव बन पुकरा के रहने वाले पीड़ित विनोद कुमार यादव के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और जानवरों की सुरक्षा के लिए बने टीन शेड को उजाड़ दिया। वहीं आरोपियों के गुंडागर्दी करने का अंदाजा इस वीडियो से साफ लगाया जा सकता है। आरोपी वीडियो में लाठी डंडों के साथ जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने और गाली गलौज कर पीड़ित को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले पर पीड़ित पक्ष ने थाने में तहरीर दी है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं इस मामले से पीड़ित परिवार काफी डरा हुआ है। एप्लीकेशन तोड़ फोड़ के पतरा बहा दे, यहाँ मारे के धमकी दे, यहाँ एक लड़का बांटा है, दो जने यही हैं, हमारे के हुआ और आगे न पाछे और 10-15 लोग वहाँ पुलिस न सुना था के न सुना था न गाँव न देश का करी हमारे गोरु सब जरा तहा घाम में कहा ले जाए बांध। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।